स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए दिन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं मुक्ति धाम मुकाम। मेरे साथ में है बीएल बिश्नोई, अशोक बिश्नोई, आरपी और गंगाराम जी, और मैं खुद राम सा बिश्नोई। और चलिए, आज का सफर तय करते हैं। हम जा रहे हैं बाइक लेन, और आज का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। बीएल सर गोली देनी थी रूम पर, वो भूल चुके हैं और अभी रास्ते में चलते चलते ले रहे हैं किलनी के साथ। गुड मॉर्निंग, हम किलनी की बोतल पानी से प्याऊ से भर भर के शो अप कर रहे हैं जैसे कि अमीर लोग हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। अशोक मेरे साथ में और तीन बंदे गए आगे। रेलवे स्टेशन का रास्ता यहाँ से है क्योंकि रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है अभी, तो यहाँ से रास्ता खोला गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम ढूंढ रहे हैं ट्रेन का डिब्बा, हमें नहीं मिल रहा है। ये ट्रेन शायद अपनी है या नहीं है ये भी पता नहीं है हमें। कुछ खास तरीके से आठ बजे रवाना होगी तो घुस जाएंगे गाड़ी के अंदर। अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, दो इधर बैठे हैं। एक वो चला गया सेटिंग से बात करने के लिए गेट पर। यह है चलती हुई ट्रेन का नज़ारा, और हम आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो के अंदर, माइक में कुछ हो गई थी गड़बड़। तो सबसे पहले आया अखबार, और अखबार पढ़ा हमने, सामने वाले भी अखबार पढ़ रहे हैं। बस टिकट कहाँ है भाई साहब, टिकट लाओ, टिकट लाओ। हेलो, टिकट इनकी इनकी भी हमने की है टिकट। ये रात को सो रहे थे और हमें बोल रहे कि बिना टिकट के चढ़े हैं। ऐसा है, आपकी टिकट कहाँ है, बताओ। टिकट लाओ, नहीं तो ये बारी खुली है। बात टेंक देंगे। लड़की से बात। मैं तो ठीक आता ही करना पड़ी। वाट लाल तो कोई देना पड़ी। दोस्तों, अभी हम खेल रहे हैं ट्रेन के अंदर ताश। यहाँ पर पत्ते चाल कर रहे हैं, ये पत्ता पीस रहा है आज, और कलर बोलने की बारी है उसकी। हम खेल रहे हैं पिट्टा। चलो, जोधपुर आ गए हैं। ये राम सतीश नहीं है हमारे, जो बहुत ही बड़े यूट्यूबर है। अभी हम नीचे उतरे हैं कुछ खाना वाने के लिए, खाएंगे कुछ या पियेंगे कुछ, नाश्ता वास्ता करेंगे, तो फिर से रवाना हो जाएंगे मुकाम के लिए। हमारा अगला स्टेशन है नोखा। नोखा उतरेंगे हम, नोखा उतरने के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। अभी हमने किया कचौड़ी से नाश्ता, जोधपुर पहुँच चुके हैं, और ये देखो हम सभी नाश्ता कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अभी 3:30 हो रखे हैं और हम रवाना हो चुके थे सुबह 8:30 बजे, और अभी टाइम काफ़ी हो चुका है। तो मैं अलवारी के पास ही बैठा था और हालत ख़राब हो गई थी, धूल वूल एकदम, बाल वाल सब खराब हो रखे हैं। और ये मेरे सामने के नज़ारे। तो दोस्तों, अभी स्टेशन आने वाला है और हम उतरेंगे या नोखा। सभी एकदम भीड़ भाड़ में से उतरने लग गए, हम भी उतरते हैं। उतर चुके हैं यहाँ पर नौका स्टेशन पर। यार, ये ट्रेन सारी हो चुकी है खाली, भीड़ आप देख सकते हो आगे और पीछे। देवसा हमें मिल चुके हैं अभी, और चलिए चलते हैं नौली गेट से, गाड़ी पकड़ते और चलते हैं सीधा। कि हम एक अशोक का इंतजार कर रहे हैं, क्या करे यार, बिना पूछे पीछे रह जाते हैं। खो गया है, उसको ढूंढ रही है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, कॉल करो उस पर, पता नहीं मिल नहीं रहा है वो। देखते हैं, इंतजार करते हैं, इधर इधर नजरें फेरते हैं, कहीं दिख जाए तो सही है, वरना फिर क्या कर सकते हैं, उसको FIR करवाएंगे। कर भी क्या सकते हैं यार, खो गया है। फाइनली हमें खोया हुआ अशोक मिल चुका है। कहाँ गए तेरे? पानो डब्बा भी नहीं, नोरा करना पड़े सारा कुछ। थैंक यू। हमें कंटेंट मिल गया। इस गर्मी की हालत में हम बैठ चुके हैं बस के अंदर सबसे अच्छे वाली सीट में। सॉन्ग बजने लग गए आसपास। ये रही बस, और ये बैठे हम, चार कारतूस आगे बैठे हैं, दो कारतूस इधर। अभी हम पहुंच चुके हैं, वहां जाएंगे, रुकेंगे, दर्शन करने जाएंगे, शाम को जाएंगे या सुबह, जल्दी तो जाना ही जाना है। शाम को जाते हैं या नहीं जाते हैं, देखते रहिए आप।